सरकार, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली की जनता के साथ बुरा व्यवहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया होलिका दहन, केजरीवाल सरकार पर भाजपा नेताओं के बड़े आरोप। इन दिनों दिल्ली भाजपा लगातार दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है, जिसे देखकर लगता है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार को लगातार विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ रहा है। होली से पूर्व जहां विभिन्न संस्थाओं के लोग होली के मंगल मिलन समारोह में व्यस्त हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आप पार्टी का होलिका दहन कर रही है। अब सोमवार को दिल्ली भाजपा ने कथित घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का होलिका दहन किया। दिल्ली भाजपा ने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ होलिका दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। त्रिनगर के अलावा भाजपा ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भी होली का दहन किया। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता संजीव शर्मा, रमेश डबास, निगम पार्षद किशन बैमाड़, पूर्व निगम पार्षद तिलक राम गुप्ता व भारी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के बाद भ्रष्टाचार का होली का दहन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार, आरके जायसवाल के साथ। होली का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में होली का रंग चढ़ने लगा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ होली का दहन कर रहे हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई? आप देख रहे हैं कि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई, उसके अंदर उनके मंत्री जेल में गए हैं, उनके अधिकारी जेल में गए हैं, और आज पूरी दिल्ली भर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो सरकारी एजेंसियों को उनको जो जांच कर रही है उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ इनके जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं वो स्कूलों में जाकर बच्चों को भड़का रहे हैं, उनसे उल्टी चीज़ें लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अभिभावक प्रेशर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की भी मांग करती है कि इस तरह से जो सरकार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स ना करे। मगर केजरीवाल जी तो लगातार उनको मसीहा बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया नेता थे, हमारे सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और मनीष सिसोदिया जी स्कूल बनवाए, स्विमिंग पूल बनवाए, उनको जेल में डाल रहे हैं लोग। देखिए, दिल्ली सरकार ने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया है। जिस शिक्षा मंत्री की काम कर रहे थे, पहले तो आदमी स्कूल बनाएगा ना, उसके बाद जो है काम करेगा, तो कोई उन्होंने काम नहीं किया है। और मोहल्ला क्लिनिक आप देख रहे हैं, कोरोना के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा था। आपके पास में आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, तो ना स्कूलों की स्थिति ठीक हुई ना मोहल्ला क्लिनिक ठीक हुआ। ये केवल विज्ञापन में पैसे खर्च करके छपाते हैं और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा है इनकी 12% वोट दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कम हुई है, ये दिखाएगी दिल्ली की जो जनता है इनसे नाराज है। बैमार साहब, लोग होली मना रहे हैं, चारों तरफ होली 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 हो रही है और आज आप लोग भी ये प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। जिला महामंत्री, देखिए, दिल्ली प्रदेश के आह्वान पर आप दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में ये जो होली दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये दिल्ली सरकार के भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, ये उनके खिलाफ प्रचंड धरना वे बुराई पे अच्छाई की जीत का होली दहन का कार्यक्रम 70 की 70 विधानसभाओं में किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के दूसरे नंबर पे आने वाले उप मुख्यमंत्री आज जिस प्रकार घोटाला कर जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इसी प्रकार ये आंदोलन और ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये घोटालों की सरकार दिल्ली की जनता को लूट लूट के खा रही है और एक के साथ एक शराब की बोतल पिला रही है,
लोग त्योहार मना रहे हैं घरों में परिवार में खुशियां मना रहे हैं, आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जो उनके मंत्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री होते हुए जो दिल्ली का सर्वनाश करके गए हैं, लोगों को एक के बदले एक दारू की बोतल रात को तीन तीन बजे तक बार जो उन लोगों ने खुलवा दी थी, आज वो जेल में हैं, उन्हीं का दहन करने के लिए यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।